कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए।
प्रमोद यादव, स्वागत हमारी लाइव में। हाय 12 लोग जुड़े हैं, 12 लोग देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं जा रही थी। देवी जी नमस्ते। अच्छा, नमस्ते देवी जी, जय माता दी। और बताइए, आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। योगी जयंती मनाते हैं हम। अच्छा, योगी जयंती कब से आ गया, हमें तो नहीं मालूम है। योगी जयंती भी मनाते, वो कब रहता है? शोम लाइक कर भाभी जी, थैंक यू। पर लाइक डन अभी दिखा नहीं रहा है। योगी जयंती कब से है, कितने तारीख को है, ये कब मनाई जाती है? खाना हो गया भाभी जी? नहीं, हम खाना भी नहीं बनाए हैं, भी खाली चाय पानी हुआ है, खाना नहीं बना है। खाना बनाऊंगी, टाइम है, 8:30 बज रहा है। हाँ, लोग जुड़े हैं। सबका खाना पीना हो गया।
मैं आ जाऊँ खाना बनाने, भाभी जी। नहीं अभी टाइम है खाना बनाने का, अभी भाजी उजी नहीं आया है, अभी क्या बनेगा कुछ पता नहीं हमें। खाने में क्या बनेगा अभी कुछ पता नहीं है, अभी आया भी नहीं है भाजी उजी, रास्ते में है। आपका खाना हो गया? आ रहे हैं, लौटे हैं, और अभी फोन उनका नहीं आया है भाजी का, अभी आएगा, आने लगेंगे तो। फोन आता है फिर आधे घंटे बाद आते हैं, तब तक सोच के रखती हूँ क्या बनाऊँ। हमारी हमारी सासू माँ घूमने गई हैं, मेरे भैया क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करते हुँ। परेशान सबको घर में करते, बस काम देखने जाते, काम करते नहीं। मिलाऊंगी किसी दिन, टाइम पे आ जाएंगे। सो गया है, उठेगा 10-15 मिनट में, टाइम हो रहा है उसका भी, अब उठेगा तो वही 2-2.5 बजे तक फिर से सोएगा। यहाँ के लोग रात नहीं होती, 12-1-2 बजे तक वैसे जागते रहता है। अभी तो दोपहर के हिस्से का सोया है, का सोच रही हूँ। काम करना है, अभी काम पड़ा है, काम के बारे में सोच रही हूँ, सोची क्या सकती हूँ। अब सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। यहाँ मुंबई में 2 घंटा टाइम मिलता है,
6 बजे से 9 बजे तक कोई काम नहीं रहता, उसके बाद फिर काम आ जाता है, फिर 11-12 बजे तक करते रहो। हाँ, नाइट में 2:30 बजे, नाइट में 2:30-2:30 बजे तक जागते रहता है, तो मुझे भी जागना पड़ता है। लगभग 1:15 को मैं खाने खाती हूँ, 12:30 बजे 1:15 बजे और सब खाते हैं। टाइम बहुत उल्टा सीधा रहता शहर का। गांव में होती जब तक हमारा 2 नींद हो गया होता ना। 7 बजे मैं गांव गई थी तो 7 बजे खाना खा ली थी। इतनी बड़ी रात लगती थी तो रात में भूख लगता था। हाँ, मुंबई में अभी हूँ, तभी तो बोल रही हूँ अब बनाने का खाना टाइम हो रहा है। जल्दी बना कर रख देते तो बासी हो जाता है। तावा पर के रोटी चाहिए, तावा की रोटी चाहिए। मैं भी तो कल्याण में रहता भाभी। अच्छा, कल्याण में रहते हो, यहाँ से बहुत दूर है कल्याण। आपका खाना वाना हो गया? नहीं, वो भी चलाने का टाइम चाहिए। खाना खाने का टाइम मिलता ही नहीं जल्दी, तो कैसे निकाल के इतना करती हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक यही सब खोल के बैठूँ, फिर कोई खाना मांगे तो बोल दूंगी खाना नहीं बनेगा, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टाइम नहीं है। के लिए भी टाइम चाहिए, पूरा दिन मोबाइल नहीं उठता, उठता तो खाली शाम को, सुबह देख लेती हूँ 1-2 बार जब भी टाइम मिलता है। हाँ, भाई लाइव में भी तो नहीं आते, क्या मालूम उनको इंस्टाग्राम से क्या लेना देना है।
मैं जे जे हॉस्पिटल में है भाभी जी, जे जे हॉस्पिटल ये तो केम के पास है ना, वहाँ क्या कर रहे हो, उसमें रहते हो कि उसमें? जे जे हॉस्पिटल तो दूर है, केम के पास है। हाँ भाई बोल रहे थे इंस्टाग्राम चलाओ तो लाइव में आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। तो अब उनके लाइव में आने के लिए तो मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम चलाऊँ? ओके हाँ, खाना वाना हो गया आपका? जे जे हॉस्पिटल में आप हाँ वही तो मैं बोल रही थी, बोल रहे थे लाइव लाइव में ही नहीं आऊँगा, और नहीं आए सच में नहीं आते हैं उनको, पता नहीं क्या नाम था उनका, उसका नाम था, नहीं आते लाइव में। तो बोले ना कि इंस्टाग्राम बनाओगी तभी आएंगे, नहीं आते। जे जे हॉस्पिटल में एक बार गई थी तो वहाँ शायद मुझे हड्डी का डॉक्टर नहीं मिले थे, फिर मैं केम में गई थी। फिर केम में गई तो वहाँ 10वें महला पे बच्चों का डॉक्टर है हड्डी का, तब उधर मिले थे। एक ही बार गई हूँ केम में, कोई जे जे भी देखी थी, कोई जरूरी बात होगी भाई। हाँ कोई जरूरी बात होगी। जरूरी बात है तो यूट्यूब पे नहीं बता सक रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पब्लिक नहीं रहती, नहीं देखती, उस पे तो और रहती है, यूट्यूब पे कम जानते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो और रहते हैं, इसके लिए मैं नहीं चलाती। चलो जे जे हॉस्पिटल में आप जॉब करते तो अच्छी बात है, कभी काम लगेगा तो मैं भी बताऊँगी। हाँ बहुत बड़ा है, सरकारी है और प्राइवेट भी है, दोनों है ना। केम में मैं गई थी बच्चों के डॉक्टर के पास, मैं केम में गई थी। बहुत लंबा है यहाँ से, बहुत पूरा दिन मेरा चला गया था केम में, ट्रेन से जाते वही एक ही बार देखी हूँ हॉस्पिटल। बच्चे का डॉक्टर बैठते हैं जे जे हॉस्पिटल में? मेरा खाना हो गया। हाँ आपका खाना जल्दी हो जाता है। हमारी भी पार्टी उठ रही है, अब ये लोग का अब रात नहीं हो रहा, अब दिन होएगा अब सबको। अब हमारे घर में जितना 7-8-9 बजे का आए उठ गया। अम्मा नहीं आई, तुम सो रहे हो, अम्मा भी घूमने गई और भी आने लगा।
बरोबर केयर नहीं करते हैं के में जब मैं गई थी तो बिल्कुल कितने दिन का बच्चा लेके गई थी, खाली 4 दिन हॉस्पिटल से आई थी तभी मैं गई थी। थोड़ा उसको हो गया था प्रॉब्लम, क्या हो गया था वो ना, शायद वो लोग सिस्टर लोग गिरा दिए थे या कुछ हो गया था, उसका हाथ नहीं उठ रहा था। तो वही मैं गई थी तो डॉक्टर बोले ना कि एक्सरसाइज कराओ। मैं भली वो 4 दिन का बच्चा है, खाली 4 दिन का था, मेरी क्या एक्सरसाइज करेगा वो। बस एक ही दिन गई थी, तब से लाई ना तो प्राइवेट में दिखाई तो नहीं गई। सब लोग बोले वहाँ से ना, जहाँ वो सरकारी वाले लिख के दिए थे, वही बच्चे के हॉस्पिटल वाले जहाँ वो हुआ था वही लिख के दिए थे कि जाओ केम में। तो फोन ही आ रहा है। सीमा हैदर जैसा होता है। अच्छा, और अभी कैसा है बच्चा? अब तो ठीक हो गया बच्चा, वो 15 दिन में ही हाथ उठने लगा। वो उसको ना लगता बेड उड से गिरा दिए थे तो चोट आ गई थी हाथ में, इसके लिए हाथ नहीं उठ रहा था। वही लोग लिख के दिए थे 4 दिन के बाद ही, मुझे डिस्चार्ज किए तभी दिए थे कि जाओ दिखा लो केम में। तो वहीं से उसी हॉस्पिटल से गई थी, घर से नहीं गई थी, उसी हॉस्पिटल वाले ही ने भेजा था, वहीं से मैं गई थी। तो लोग बोले ना, मैं दोपहर 3 बजे तक वेट की, 3 बजे एक डॉक्टर आए 10वें महला पे, तो बोले कि इसको एक्सरसाइज
चलो मैं बंद करती हूँ लाइव, क्योंकि आ रहे हैं भाजी लेके, फोन आके गया और खाना बनाने में टाइम भी लगेगा। चलो पहले से तैयारी करूँ। मेरा तो किसका भी फोन आया तो मैं कर दिया करता है भाभी जी, मतलब कि कोई फोन ऑन करता है तो आप उसमें एडमिट करा देते हो। कभी ज़रूरत लगेगी तो हमको भी नंबर वंबर दे देना, हम भी आ जाएंगे। मुंबई में रहती हूँ, अब रहना ही है, यही है। हॉस्पिटल में कभी कुछ काम लगेगा तो मेरी भी हेल्प कर देना अगर उसी में रहते हो। क्योंकि बहुत ज़रूरत लगती है। हाँ आ रहे हैं, अब उनको चाय पानी दूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, टाइम लगेगा। और कल कब आएंगी? कल वही आऊंगी 7 बजे, आता थोड़ा लेट गई थी तो नहीं आई थी। आज 8 बजे लाइव आई थी, आऊंगी 7 बजे, 7 से 8:30 तक। अब यही देखो 9 बजे टाइम हो जाता है, उसके बाद दिन में तो आती नहीं हूँ। सब लोग रहते हैं और बच्चे और सास भी तेरी रहती है और नीचे, और बाकी फैमिली नीचे से रूम में ऊपर नीचे करते रहते सब लोग। दिन में मैं लाइव नहीं आती, इतना टाइम सब घूमने फिरने मार्केट इधर उधर करते ही इतना टाइम रहता है मेरे पास। भाई ये तो सीधे साधे हैं, कभी कुछ बोलते नहीं हैं। और बाकी तो आ रहे हैं अभी, चलो आपका खाना हो गया। बाय, मिलते हैं कल, कल आ जाना लाइव। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खाना हो गया आपका?
अच्छा आपका खाना हो गया, ओके चलो बिस्तर पकड़ो, बिस्तर पकड़ो आप, मैं जा रही हूँ किचन पकड़ने। कभी मैं लाइव आऊँगी, देखो 11:30-12 तक मेरा बनते ही रहता है, बन भी जाता है, फिर भी बन के खाना बना के भी बैठी रहती हूँ, फिर खाने को कोई तैयार नहीं रहते, अभी खाता हूँ अभी खाता हूँ करते रहते हैं। ठीक है बाय। कल मोबाइल नंबर देना, भाभी जी। अच्छा वैसे लाइव पे तो फोन नंबर उम्बर वगैरह नहीं देते, और क्योंकि बहुत जन रहते लाइव में। चलिए ठीक है, आप कब से आए और सपोर्ट किए और बहुत बात हो गई। ठीक है बाय, जाएंगे अभी, आएंगे तो देखते हैं, फिर भी कोई कोई बात नहीं रहती, बोलते नहीं है, लेकिन टाइम हो गया खाना पीने का इसके लिए। दरवाजे की तरफ आऊंगा, बाय। होने वाला है तो उसके लिए करने जा रहे हैं। मैंने दिया तो बाय, गुड नाइट, चलो।